आए, हम यहीं पर गिर गए हैं और वो सब नुनखार नुनखार सुबह सुबह फेस होते हैं उसी जगह पे लेके आए। मैं घर तक चलती हूँ, मम्मी का रिएक्शन गरीब है उनके लिए, बाढ़ आ गया और सब चीज चल के जा रही हूँ। बस आप लोग ससुर के नाते अपने गाँव मेरे चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हो? अरे यार यहाँ पे खाई था, ठीक हो? आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। खुश थी खेत में आके, सोची यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाऊंगी और सब कुछ अच्छे से दिखाऊंगी आप लोगों को कि मेरे गांव में देखिए पानी कितना भर गया है। खुशी तो हो रहा है कि हम रील्स बनाएंगे, पर इस बात का इतना ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि इतना दूर जितने लोगों का भी धान रोप रखा था सबका धान इस समय डूब गया है। और यहाँ पे देखिए बजड़े जो होते हैं, बजड़े जिनके गाय भैंस होते हैं घर पे बाधे होते हैं खा खिलाने के लिए, सब डूब चुका है बढ़िया से। और आप लोग को मैं जहाँ तक दिखा पा रही हूँ दिखा दे रही हूँ, इधर देखिए इधर सेब है मगर उधर देखिए वहाँ तक उधर उधर जितना है इधर तो ऊँच है, बीच में ना मैं अगर घूमूँ पूरा जाके फिर अच्छे से आप लोग को दिखा पाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि यार इतनी मेहनत से लोग काम अपना करते हैं, इतनी मेहनत से पैसे खर्च करके धान उगाते हैं, कितनी उम्मीद रख के, अब चावल कहाँ से आएगा खाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, शिकायतें बहुत हैं, देख के बहुत बुरा लग रहा है मगर यहाँ तक आई हूँ तो रील से तो बनाऊंगी ही। अब यही कहूंगी भगवान जी बारिश मत होइए ताकि जो भी लोगों का है कट जाए उसके बाद बारिश हो तो ठीक रहे, है ना। कि कुछ लोग इसमें से अमीर हैं कुछ लोग गरीब हैं, जो लोग गरीब हैं उनके लिए ज़्यादा दुखदायक बात है कि बाढ़ आ गया और सब चीज़ डूब गया। अभी तो एक काम है, बाढ़ आती है तो वहाँ तक और आगे तक पानी चढ़ जाता है, तो भगवान शायद तरस खा रहे हैं इसलिए 3 दिनों से बारिश बंद है। उधर 3 दिनों तो इतना ज़्यादा बारिश हुआ था, इतना ज़्यादा बारिश हुआ था आप लोग पूछो मत। तो चलिए ठीक है, अभी मैं आगे आगे कहाँ तक जाती हूँ सोच रही हूँ, उधर से घूमते हुए आप लोग को दिखाते हुए जाऊँ कहाँ तक बाढ़ आई है मेरे गाँव में। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए तभी तो दिखा पाऊंगी। धूप भी लग रहा है, तबीयत भी नहीं ठीक है, देखिए मुंह भी पका है, बहुत ज्यादा परेशान हूँ उसके बावजूद भी वीडियो बना। बहुत दूर तक जहाँ तक मैं दिखा पा रही हूँ, मैं दिखा दे रही हूँ कि उतना दूर दूर तक का चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। मैं उतना दूर से चल के आई हूँ, चल के जा रही हूँ बस आप लोग के लिए। क्या करूँ यार, जाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही है, तबीयत चाहे खराब रहे चाहे कुछ भी रहे। भैया आप लोग पानी देखो यार, मैं तो टेंशन में आ गई हूँ, जितने लोग का धान डूब गया बेचारे उन लोगों का क्या होगा। फ्रेंड हम वहाँ से यहाँ पे चले आए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे मच्छी पकड़ने वाले, तो अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे वीडियो शूट करते वक्त, और मैं यहाँ पे आई हूँ वीडियो शूट करने। ये नदी के किनारे का जो किनारा होता है खेत वाला जहाँ लोग सुबह सुबह फ्रेश होते हैं उसी जगह पे लेके आई है ससुरी। कहा बताए हम यहीं पर गिर गए हैं और कहा बताए मुँह सब नुनखार नुनखार लगने लगा यार। यहाँ पे देखिए गड्ढा, हम पैर रख के दिखाते हैं आप लोग देखते जाओ, अभी देखिएगा ये बहुत गहिर गड्ढा, मजाक नहीं कर रहे हैं देखिए। हाँ देखिए है ना, अभी अंदर हम नहीं जाएंगे, हमारे पास की बात नहीं है। और सही बता रहे हैं ऐसे जब गिरे ना सब देखे भीग गया है, ऐसे मुंह और ऐसा पनिया गया है, पानी फेंक के नहीं बता सकते, दोबारा हम गलती नहीं करेंगे। और बता देते हैं कि चारों तरफ से लोग हमको देख रहे हैं क्या मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ। अरे यार अगर ऐसी बात है तो इसकी वजह से शायद हो सकता है लकी होगा ना पूजा, ये जो हुआ मेरे होठों पे लकी होगा हो सकता है। और अब इसको मैं ठीक नहीं होने दूंगी, जा रही हूँ दवा लूंगी ताकि और बड़ा हो जाए नहीं ताकि लोग मुझे इसी तरीके से देखें। हाँ नहीं थे ससुर के नाते अपने गाँव उनमें सब लोग ऐसे ही, बहुत अच्छा लगा मुझे एंजॉय करके। अभी हम चलते हैं घर, हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।